हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हम अभी तक के टॉपिक पे बात कर रहे थे वो हमारे पेडागॉजी से रिलेटेड जो भी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए, केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी मेरा पीजीटी से, कंप्यूटर साइंस से अलग हटके जो आपका पेडागॉजी का सिलेबस है पीजीटी वालों का और टीजीटी के लिए भी बेसिकली, उसमें शायद टीजीटी और पीजीटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक या दो टॉपिक का फ़र्क है। तो ये पीजीटी को भी कवर करता है और टीजीटी को भी कवर करता है। पीआरटीज के लिए मैं अलग से वीडियोज़ लेकर आऊँगी जिसके अंदर आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी जो हमारे टॉपिक्स चल रहा था, हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल का चल रहा था, लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी 3-4, तो उसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल पे ही हमने बात करी थी। उसके जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके अंदर सारा, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, वो सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका सब टॉपिक इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, इंस्ट्रक्शन मटेरियल आप सभी को पता है कि क्या होते हैं, वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो एज अ टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से और किन किन चीज़ों का आप कहाँ कहाँ पे, किस जगह पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या है वो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हो, उनकी लर्निंग कराने के लिए हो, या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हो, या उनको एक्टिव करने के लिए हो, उनको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हो, ठीक है। तो सभी चीज़ में क्या है, आपको एड्स और जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज़ करना होता है, जो आपको कुछ गवर्नमेंट के थ्रू भी दिए जाते हैं, कुछ आपके स्कूल एनवायरनमेंट, और कुछ खुद आपको कुछ मेकिंग करनी पड़ती है, बनाने पड़ते हैं। जिनका जिनको आपको नॉलेज होगी तो आप वही चीज़ तो बनाएंगे ना। तो जैसे पहले वाले वीडियोज़ में हमने चार्ट, मॉडल्स, इन सब का डिस्कस किया था। अभी आप मार्केट से ख़रीद तो सकते हैं लेकिन उसमें पैसा लगेगा, गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट होगा, या बच्चों से आप कहेंगे तो बच्चों का पैसा वेस्ट होगा। तो वहाँ पर ट्राई करिए कि बच्चों से बनवाएं, खुद इन्वॉल्व हों, तो बच्चों से इसमें क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लब्स एंड म्यूजियम, ठीक है। क्लब और म्यूजियम मैंने एक ही के अंदर ले लिए हैं, तो अभी क्लब पढ़ लेते हैं पहले, फिर म्यूजियम पढ़ लेते हैं। अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगी इसके ऊपर, क्लब के ऊपर अलग, म्यूजियम के ऊपर अलग, क्योंकि ये वाला जो आपका टॉपिक है काफ़ी लेंथी टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा सब पॉइंट थे इसके अंदर, तो काफ़ी टाइम ले गया ये वाला टॉपिक। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, फिर आपको रिवीजन भी करनी है। तो रिवीजन की वजह से ज़्यादातर आपको नीड नहीं होगी, क्योंकि एक बार और दो बार वीडियो को देख लेंगे तो इनफ होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने के लिए ट्राई किया है कि बेस्ट एग्जांपल्स दूँ, डेली लाइफ से रिलेटेड दूँ, क्योंकि हम भी बच्चे ही हैं, हमें भी सीखने में उतनी प्रॉब्लम्स ही होती हैं जितने कि एक छोटे बच्चे को होती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, चलिए क्लब्स के ऊपर पहले, क्योंकि क्लब्स क्या होते हैं और क्लब का हमारे एजुकेशन में क्या यूज़ है, क्लब क्यों कंपलसरी रखा गया है। देखिए, अब जहाँ तक बात स्कूल एनवायरनमेंट की आती है, हम सोचते हैं स्कूल के अंदर, अगर एज अ पेरेंट्स आप सोचोगे जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्कूल्स की, या कुछ मतलब ऐसे पेरेंट्स हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी स्कूल नहीं गए, तो उनके लिए क्या है, बेसिक सा मतलब है स्कूल का, मतलब पढ़ाई, कि वहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है, किताबें होती हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, कॉपी किताब होती हैं, उससे पढ़ाई होती है, बस आपको नॉलेज दी जाती है। लेकिन उनकी ये समझ से बाहर होता है कि क्लब, म्यूजियम, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, तो हम बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या खेलने के लिए भेज रहे हैं, खिलवाना होता तो वो तो हम घर पर भी करवा लेते। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, स्कूल का जो मेन मोटिव होता है वो एक्चुअलिटी में बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होता है, कि हमें केवल बच्चे का को दिमागी कीड़ा नहीं बनाना, कि किताब का कीड़ा बना दिया, उसने सब कुछ भर लिया दिमाग में और बुकिश लैंग्वेज चाट ली और बहुत डीप नॉलेज हो गई, उसके साथ साथ बच्चे को एक्टिव भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, अदर उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं वो होनी चाहिए, जो टैलेंट होता है वो होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को, टैलेंट को शार्प करने के लिए, बाहर लेकर आने के लिए, किसी को मोटिवेटेड करने के लिए, लीडरशिप फीलिंग लाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करवाते हैं, क्लब्स के थ्रू, म्यूजियम के थ्रू, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो इसीलिए हमारा ये सारी चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लब्स, क्लब्स क्या होते हैं। देखिए, आपके
अब अगर मैं नॉर्मल ऐसी भाषा में आपसे बात करूं कि क्लब के बारे में, तो कुछ लोगों का जो अभी हमारे एज के हैं, तो किसी के दिमाग में आएगा कि नाइट क्लब जहाँ पे डांस होता है या फिर ड्रिंक होती है, स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, ये सारी चीज़ें नाइट क्लब हो गए, पब होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं, उनको हम एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एजुकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है डांस, ये सब। ये डांस एक कला है, उसको उभारने के लिए एजुकेशन सिस्टम और स्कूल आपका हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि क्लब्स में जाके आप डांस करो, राइट? तो जो म्यूजियम्स और हमारे क्लब्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जो हमारे क्लब्स हैं वो एक्चुअली में जो आपके स्कूल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिससे रिलेटेड जो क्लब ऑर्गेनाइज करे जाते हैं उसकी जानकारी या नॉलेज आपको दी जाती है। जैसे आपके इको क्लब होते हैं, ठीक है, इको क्लब के अंदर क्या है, आपको इको फ्रेंडली चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको प्लांट्स ज़्यादा लगाने हैं, कौन सी सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हैं, कौन सी हार्म कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को, तो ये सारी चीज़ें आपकी इको क्लब हो गए। जैसे कल्चर क्लब होते हैं, तो कल्चर क्लब में क्या है, आपकी संस्कृति से जुड़े हुए तथ्य आपको बताए जाएंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, कहाँ से चली आ रही है, कौन कौन सी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, क्या क्या कल्चर है, हम कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो ये सारे क्या आ गए आपके कल्चर क्लब्स के अंदर आ गए। कम्युनिटी क्लब्स होते हैं, तो कम्युनिटी क्लब्स में क्या हो गया कि हमारी एक सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो क्लब्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जो रख रखाव करते हैं, बाकी सुख सुविधाएं आपकी कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड कराते हैं या साफ़ सफाई करवाते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग्स, ये वाली अच्छाई बुराई वाली चीज़ें क्या हैं, स्कूल के अंदर ही बच्चों को पहले सिखाई जाती हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट, अपनी आफ्टर स्टडीज़ के बाद या अभी भी अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़े रहें और वहाँ पर सहयोग करें, ठीक है। अब आपको पता चल गया क्लब्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट, यूजेस या एडवांटेजेस ऑफ क्लब, ठीक है, कि इसके फ़ायदे क्या हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। हम क्यों स्कूल में बच्चों को क्लब्स में इन्वॉल्व करें, क्यों बच्चों के साथ स्टडीज़ के साथ साथ उनका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, उनको इको क्लब, कल्चर क्लब, ये सारे कल्चर क्लब वगैरह, तो ये सब तो वो घर पे भी सीख सकता है, उसकी मॉम डैड जो भी हैं जिस रीति रिवाज को मानते हैं वो वहाँ पे भी उसको सिखाई देते हैं। लेकिन हमारा बेसिकली कल्चर क्लब्स और इन सब से मतलब ये है कि हमारी संस्कृति के बारे में बताना, एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में, एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बताना। क्योंकि एक स्कूल के अंदर सारे सभी टाइप के बच्चे होते हैं, कोई मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, अब सबके घर पे पूजा पाठ का तरीका अलग होगा, रीति रिवाज का तरीका अलग होगा, त्यौहार अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आपको वो धर्म वाली एजुकेशन नहीं देनी है बच्चे को वहाँ पे कि आप मुस्लिम हो तो आपके चलो ये वाली एक्टिविटीज़ करिए, आप ये वाला धर्म पढ़िए, आप हिंदू हो इनसे अलग रहिए, ये पढ़िए, वो वाली नहीं। हम सब इंडियन हैं और एक इंडियन की क्या संस्कृति है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एथिक्स हैं कि सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, सत्कार करना चाहिए, वैल्यूज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी होती हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारे कल्चर क्लब्स के अंदर। जैसे कि अब कल्चर क्लब्स वगैरह में क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जब हम बच्चे को इन एक्टिविटीज़ में या कल्चर्स में या इन क्लब्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं स्टडीज़ से हटा के, तो बच्चे इसके साथ साथ ये नहीं कि खेल में लगे रहते हैं, बिगड़ जाते हैं या कुछ उल्ट सुलट सीख लेते हैं, उसके साथ साथ वो वैल्यूज सीखते हैं। आपको जो बच्चों को क्लब्स के अंदर या एक्स्ट्रा करिकुलम के साथ बच्चे को कनेक्ट करना है, इन्वॉल्व करना है, वो इसी पर्पज़ से करना है कि बच्चे के अंदर कुछ इम्पोर्टेंस डेवलप हो, कुछ बिहेवियर में चेंज आए, कुछ उसके यूजेस हो, ये नहीं कि यूजलेस रहे उसके लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो बेनिफिट्स पे आते हैं हम कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, यूजेस क्या है, उपयोगिता और लाभ क्या है हमारे क्लब्स के, ठीक है। पहला है मेक न्यू फ्रेंड्स। ऑफकोर्स सी बात है, आप कभी कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, कोई क्लब में जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो आप 10 लोगों से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कहीं पे न्यू एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट में ही, मान लीजिए इंस्टीट्यूट में आपने नया एडमिशन लिया है, आप वहाँ पे फर्स्ट डे जाओगे आप बहुत अलोन फील करेंगे, मैं अकेली हूँ, फिर आप शायद अपनी बैचमेट से बात करने लगो,
फिर दो तीन और लड़कियों से बात हो, फिर औरों से बात हो, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक आपका सर्कल बन गया, राइट? तो वहाँ पे आपके न्यू फ्रेंड्स बन गए जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ शेयर करने को मिलेगा। और ऐसे ही चलो तो वो तो आपका इंस्टीट्यूट, स्कूल, क्लासरूम हो गया, ठीक है, वो तो आप फिर एक लंबे टाइम के लिए उनके साथ बंद गए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी पार्टीज़ में जाते हैं कुछ कहीं पर, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता आप जाते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं, आ जाते हैं। वहाँ पे भी ऐसा होता है जिनको आप नहीं जानते हैं, उन रिलेटिव से जान पहचान होती है, या जो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पे आपके न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं उठ जाते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात चल रही होती है, 10 लोग इन्वॉल्व हो गए, या कुछ एक्टिविटी करवाई जा रही है कुछ पार्टीज़ में, तो इन्वॉल्व हो गए, देन फ्रेंड सर्कल इंक्रीज हो गया, कनेक्शंस अच्छे हो गए। तो ऐसे ही जो हमारे स्कूल के अंदर क्लब्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे जब अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं क्लब्स के अंदर। अब क्लब का मतलब ये तो नहीं है ना कि 6th क्लास को लेके गया बस पूरी 6th क्लास होगी, क्लब्स के अंदर तो सभी इन्वॉल्व होंगे ना, 6th, 7th, 8th क्लास। सो शायद ऐसा हो सकता है कि एक क्लब का मतलब जो पीरियड लगता है उसके अंदर 6th का छोटा सा ग्रुप, 7th का छोटा सा, 8th का 7th, सबको लेकर गए। तो उसमें क्या होगा, आप अपने जूनियर से भी इंटरेक्ट करोगे, सीनियर से भी इंटरेक्ट करोगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड है बिल्ड रिस्पेक्ट एंड लर्न टीम वर्क। आप जब किसी के साथ इंटरेक्ट करके कोई काम करना स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग डेवलप होती है कि किसी को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। अगर आपके साथ कोई बड़ा इंटरेक्ट कर रहा है तो आपको पता है कि आप उसको आप करके बोलोगे, जी करके बोलोगे, भैया बोलोगे, दीदी बोलोगे, या छोटा इंटरेक्ट कर रहा है तब भी आपको ऐसे मैनर्स से बात करनी है और अच्छे से बिहेव करना है, अब्यूजिंग नहीं करनी। अगर आपको गुस्सा भी आता है तो भी बहुत पोलाइटली बिहेव करना है। और आपको टीम वर्क सीखने को मिलता है क्योंकि आप उस टाइम पे क्या है, मैनेज करना सीखते हो। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो कि मैं तो इस स्टेप पे नहीं, इस स्टेप पे करूँगा, लेकिन आपका सीनियर आपको एडवाइस कर रहा है कि बेटा इस स्टेप पे नहीं, आप इस स्टेप पे करो, तो शायद उस कंडीशन में आप उसकी बात मान लो, ये सोच के कि हाँ मेरे से सीनियर है, अच्छी एडवाइस करेगा और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो शायद ये ठीक कह रहे हैं, तो आप उसी कंडीशन पे काम करोगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके अंदर एक टीम वर्क वाली फीलिंग आएगी। टीम, जब आप एक टीम में काम करते हो तो ये नहीं कि अपनी अपनी चलानी है, दूसरे की सुननी भी है, समझनी भी है, फिर अपनी सुनानी है, समझनी है, ठीक है, ये नहीं कि हमेशा बस अपनी अपनी करनी है, ठीक है। तो आप क्लब्स के माध्यम से बच्चों के अंदर टीम वर्क कराना सिखा सकते हो, रिस्पेक्ट कराना सिखा सकते हो। देखिए, अब मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में बताया था कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे के अंदर इस तरह के की फीलिंग्स या इस तरह के बिहेवियर देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सारे बिहेवियर और ये जो सारी चीज़ें सिखाई जा रही है कि इतना रिस्पेक्टेबल हो गया है हमारा बच्चा, या इतनी मैनर्स आ गई हैं, इतने अच्छे से बिहेव करता है, तो ये सब स्कूल में सिखाई जाती है, तो वो ये सारी चीज़ों को भी समझते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें टाइम ऑफ वेस्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वहाँ पे क्या है आपके लिए वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूज़ करती ही करती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब बच्चे को अगर आप क्लब्स के अंदर लेकर आओगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा ही, क्यों, क्योंकि अगर वो क्लब्स के अंदर आ रहा है, अपने सीनियर जूनियर से इंटरेक्ट कर रहा है, और कल को आप उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आज तुम्हारे जूनियर्स ने या सीनियर ने ये काम किया, चलिए आप भी करके दिखाइए, या अपने आप को, मैंने कल आपको इस चीज़ के बारे में बताया था, अब आप मुझे बताइए कि ये क्या चीज़ है, देन आप वहाँ पे खुद को एक्सप्रेस करोगे, तो वहाँ पे क्या है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अच्छा बोलूँगा, या मैं भी अच्छा कुछ डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ रहा है फिर आपका फोर्थ पॉइंट, रिलीफ स्ट्रेस। जो आपके क्लब्स होते हैं वो ज़्यादातर मतलब बच्चे की स्ट्रेस को भी कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें करवाते हैं, तो बच्चा जब पढ़ाई से बोर होने लगता है, सारा टाइम पढ़ाई पढ़ाई, आपके साथ भी क्या होता है,
अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो उनमें से कुछ वर्किंग होंगे, कुछ कुछ फैमिलीज में घर घर में रहती होंगी लड़कियाँ, या कुछ मैरिड होंगी कपल्स, तो वो भी ज़्यादातर अगर लेडीज़ हैं तो वो भी घर के कामों में लगी रहती होंगी, तो वो सारा टाइम क्या करती हैं कि उस स्ट्रेस से गुजर रही होती है। जो वर्किंग है वो सारा टाइम ऑफिस के काम काम काम, पूरे हफ्ते का काम, संडे मिला पढ़ाई करनी है, और जो हाउसवाइफ वगैरह होती हैं उनको भी सारा काम घर 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 बच्चे संभालने करना है, तो उनका जो वो स्ट्रेस हो जाता है, तो जब आप क्या करते हो तो अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए क्या करते हो, आप सैटरडे संडे आउटिंग पे चले जाते हो, बाहर क्लब्स पे चले जाते हो, शॉपिंग के लिए चले जाते हो, मूवीज़ चले जाते हो, और ऐसे ही आप गेट टुगेदर का डिनर रख लेते हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करते हो। तो ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ ये स्कूल एनवायरनमेंट में उनका स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए जो ये एक्टिविटीज़ बनाई जाती है, क्लब्स बनाए जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे जब पूरे हफ्ते की पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, या फिर एक पीरियड के बाद एक, एक पीरियड के बाद एक के ऊपर पीरियड लगता रहता है बच्चों का, उस टाइम पे मेंटल लेवल भी इतना नहीं होता है, इतनी स्टोरेज पावर भी नहीं होती है कि अभी साइंस का, मैथ्स का, हिंदी का, अब वो चार घंटे में चार घंटे पढ़ तो लिया लेकिन उसको याद कितना रहा, तो इसीलिए उसके ऊपर वो 5-6 घंटे का जो सारी स्टडीज़ का बर्डन है वो ना रहे, तो एक आधा पीरियड ऐसा एक्टिविटीज़ का, करिकुलम का, क्लब्स और म्यूजियम्स का, स्पोर्ट्स का रखा जाता है, ताकि उसकी खेल के द्वारा, किसी एक्टिविटी के थ्रू द्वारा, या आर्ट्स बनवाई जा रही है, या म्यूजिक डांस करवाया जा रहा है, कल्चर प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, उनके द्वारा क्या किया जाए, उसका स्ट्रेस कम किया जाए, ताकि बच्चा वापस से बिल्कुल फ्रेश माइंड करके क्या है अपना जो है काम में लग जाए। हमारे लिए भी जो एक संडे का ऑफ मिलता है वो किस लिए मिलता है कि आप पूरा हफ्ता काम करो, देन संडे में क्या है अपने स्ट्रेस को रिलीज करो और वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश माइंड करो, देन दोबारा से पूरे हफ्ते का काम करो, ठीक है। अगर सोचो अगर संडे का ऑफ नहीं होता और आप लगातार काम ही करते जा रहे हो, काम ही करते जा रहे हो, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका दिमाग फट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए संडे का ऑफ भी इसलिए दिया जाता है, संडे और सैटरडे का, कि आपने जो काम किया उससे आपको स्ट्रेस फ्री किया जा सके, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, लर्न रियल वर्ल्ड स्किल्स, मतलब आपको जो ये क्लब्स हैं उसके थ्रू रियल वर्ल्ड को सीखने में, वर्ल्ड जो आपका संसार है, ठीक है, रियल वर्ल्ड को इसकी जो स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए हेल्प करता है। जैसे डिबेट क्लब्स होते हैं कई जगह पे, आर्ट्स क्लब्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनता है। अगर क्लब्स के अंदर मुझे कल्चर क्लब्स के अंदर या डिबेट क्लब्स हो रहे हैं तो उसके अंदर कुछ नया सिखाया जा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सिखाया जा रहा है, मैंने कुछ न्यू नॉलेज गेन करी है किसी से इंटरेक्ट करके या नया सीख के कुछ, तो मैं क्या करूँगी जब अपने डेली लाइफ से कनेक्ट होंगी, अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होंगी, वहाँ पे अगर मुझे उस चीज़ का जब यूज़ दिख रहा होगा तो मैं उसको वहाँ पे यूज़ करूँगी, या फिर क्या कर सकती हूँ कि मुझे वहाँ पे जब किसी पॉइंट पे आके मैं फंस जाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम लगेगी, तो वहाँ पे मैं एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर उसको शॉर्ट आउट कर सकती हूँ। तो इसीलिए जो हमारे क्लब्स वगैरह होते हैं ये इसमें भी हेल्प करते हैं कि बच्चे को अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर जो आपकी स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं, क्योंकि मैनर्स, रिस्पेक्ट करना, अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, ये आपको क्या सिर्फ किताबों में रखने के लिए थोड़ी सिखाई जाती है, इसको आप अपने रियल वर्ल्ड में ही तो यूज़ करते हो। जब अपने घर में, अपनी सोसाइटी में किसी से बात करते हो, वहाँ पे आप उनका सत्कार करते हो, वहाँ पे आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, बड़ों से कैसे बात करनी है, नहीं करनी है, वहाँ पे आप अपनी किसी एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हो कि अपने आप को फिट रख रहे हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है आपकी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। वहाँ पे आपके क्लब्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपको क्लब्स में इन्वॉल्व किया जाता है, वो उसके अंदर आपके लिए काम आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल। बच्चे के अंदर क्लब्स के द्वारा एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी डेवलप होती है, बिकॉज अगर बच्चा किसी क्लब में इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो इको क्लब हो, कल्चरल क्लब हो, कुछ भी हो स्कूल के अंदर, आप ध्यान दीजिए, आप भी जब किसी क्लब एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व हुए होंगे तो उसमें एक चीज़ पहले ही बोली जाती है
कि आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप अपना पीरियड कोई स्किप कर देंगे कि हाँ आपको छूट है, जाओ बेटा खेलो, जाओ बच्चा इको क्लब करो, ये सब करो। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे मैनेज करते हो, आप अपनी पढ़ाई को भी कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपने क्लास वर्क होमवर्क को कैसे मैनेज कर रहे हो और आप अपने क्लब्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। अब अगर आप स्कूल टाइम के अंदर किसी क्लब एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो वो आपकी क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप क्लब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपको फ्री टाइम दे दे कि आपको हाफ क्लास पढ़ा दिया और हाफ बोले जाओ आप वो कर लो, कोई बात नहीं मैं आपके लिए इसमें अगर एग्ज़ाम लूँगी कभी और आपने ये वाला पोर्शन नहीं भी लिखा तो भी मैं मार्क्स पूरे दे दूँगी, वो वाली कंडीशन नहीं है। वो बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अपने रिस्क पर इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने पड़ता है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डांस को, स्किल्स को, क्लब्स एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करे ताकि उसकी पीरियड्स भी सफर ना करे, बाकी स्टडी पीरियड्स भी, उसका होमवर्क और स्टडीज भी सफर ना करे। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, बच्चे को एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है वो सारी चीज़ें। और बच्चा देखिए उस कंडीशन में भी जब उसके पास मतलब उसके सामने ये कंडीशन रख दी जाती है कि आपके लिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आपको खुद से कुछ करना है तो आप अपने रिस्क पे करिए ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी क्या होता है, बच्चा फिर भी उत्सुक रहता है, इंटरेस्ट लेता है कि नहीं मुझे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, नहीं मुझे करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो इंटरेस्ट ले रहा होता है, उसको पता होता है मैं टाइम मैनेजमेंट कर लूँगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है या मैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ या मेरे अंदर ये टैलेंट है या मेरा इंटरेस्ट है। तो आपको वहाँ पे बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है, आपको उसको और मोटिवेट करना है कि आप कर सकते हो, ऐसे नहीं तो ऐसे टाइम मैनेज करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर एक प्लस पॉइंट है कि क्लब्स के अकॉर्डिंग आप बच्चे के अंदर क्या है, टाइम मैनेजमेंट का स्किल भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है लीडरशिप स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लब्स के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर लीडरशिप की भावना भी उत्पन्न होती है, उसके अंदर ये स्किल्स आती है कि सबको मैनेज कैसे करना है। अगर आप क्लासरूम के अंदर मॉनिटर्स बनाते हैं ना, तो मॉनिटर क्यों बनाया जाता है एक टीचर के थ्रू, क्योंकि जब टीचर वहाँ पे ना हो, जब टीचर क्लासरूम में प्रेजेंट ना हो, वो ऑफ पे हो या कुछ किसी और अनदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो उसकी अब्सेंस में एक जो मॉनिटर बनाया जाता है, जो क्लास का नेता बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है, वो उसकी क्लास का रख रखाव उसी की एज अ टीचर करे। ये नहीं कि उसको पनिशमेंट दे या कुछ करे, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे, सबको पढ़ाई में इन्वॉल्व करके रखे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्कूल में मॉनिटर्स भी क्लासरूम में इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करे जब टीचर क्लास में अब्सेंस हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि क्लब्स के अंदर बच्चे के अंदर लीडरशिप जो स्किल होती है उसको डेवलप किया जाता है। क्यों? जब बच्चा किसी चीज़ पे काम कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, और मान लीजिए 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया कि हम चलिए कल्चर पे इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, आपका डांस का हो गया, आपका सिंगिंग का हो गया। ठीक है, तो उसमें से कोई एक लीडर बन जाता है कि आप लीडर हो, आपको ये बाकी के 4 बच्चों को मैनेज करना है कि ये टाइम पर आए, प्रॉपर रिविज़न करके आए, स्टेप हो, डांस के सारे स्टेप लर्न हो, म्यूजिक्स के जो भी आप सॉन्ग गा रहे हो उसके लिरिक्स याद हो और वो सुनाएं आपको, कोई कमी ना हो, वॉइस टोन अच्छे हो, गेस्चर्स अच्छे हो डांस में। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, एक लीडर करता है। और जब एक लीडर किसी एज अ लीडरशिप कुछ काम करता है तो वो क्या करता है, खुद में इतने पेशेंस और इतनी वैल्यूज़ और एथिक्स डेवलप कर लेता है कि जब उसको पता है कि मुझे 4 लोगों को मैनेज करना है तो किस वे में करना है, कि पहले वो खुद को अच्छा करे, पहले खुद डिसिप्लिन रहे, पहले खुद की वो सारी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तभी तो वो किसी को सिखाएगा या डांटेगा। ये तो नहीं ना, खुद टाइम पे नहीं आता तो आप क्यों टाइम पे नहीं आए, ये खुद के स्किल और गेस्चर्स अच्छे नहीं है उस पर्टिकुलर स्किल के लिए जो भी आप क्लब में एक्टिविटी कर रहे हो और दूसरे को डांट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब बच्चे के अंदर लीडरशिप की भावना आती है या लीडरशिप की स्किल्स डेवलप होने लगती हैं क्लब्स के थ्रू जब एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा खुद भी वेल मैनर्ड पहले बनता है और बाकियों को कैसे मैनेज करना है, एक और एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो स्किल्स भी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आता है इसका,
पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो क्लब्स हैं टू हेल्प द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे क्लब्स हैं वो बच्चे की पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। कैसे? स्पोर्ट्स क्लब होते हैं तो वो आपके क्या फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई गेम प्ले करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। अच्छे आप हष्ट पुष्ट रहते हैं, उसी तरह का डाइट लेते हैं आप, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी अच्छी होती है, शेप अच्छी होती है बॉडी की, और जो है आपका अगर आप डिबेट कर रहे हो, डांस कर रहे हो ये, तो आपकी नॉलेज इंक्रीमेंट होती है, तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। आपको पता है कि आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपको इमोशंस कैसे फील वहाँ पे शो करने हैं, नहीं शो करने हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉरल वैल्यूज डेवलप होती है, कि बच्चे के पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी हमारे क्लब्स के थ्रू बच्चे का फोकस किया जाता है। ठीक है, अब इतने सारे ये थे इसके फ़ायदे, यानी कि इसके एडवांटेजेस और लाभ थे। अब लाभ पढ़ लिए, अब इसके लिमिटेशंस पढ़ते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब लाभ है तो लिमिटेशंस भी कुछ होंगी, तो लिमिटेशंस पे बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या बातें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए, कि हमें क्लब्स का अच्छे प्रॉपर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सको, बच्चे के लिए अच्छे स्किल्स डेवलप कर सको, ये नहीं कि बच्चा किसी और ही दिशा में चला जाए। ठीक है, तो लिमिटेशन में सबसे पहला और वीक पॉइंट जो आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि क्लब्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए टीचर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है टीचर के थ्रू, कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करोगे, बाकी स्किल्स को कैसे मैनेज करोगे, आप दोनों को साथ साथ लेके चलोगे। अगर आपने ज़्यादा फोकस उस पर किया तो आपकी पढ़ाई सफ़र करेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चों की थोड़ा टाइम गड़बड़ा जाता है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करना आता है, जिस वजह से बच्चे कटने लगते हैं एक्टिविटीज़ और उसमें, कि अगर मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होके रह गया तो पढ़ाई में पीछे रह जाऊँगा, क्लास में फेल हो जाऊँगा। और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं कि लास्ट टाइम देखा था तुम इको क्लब में गए थे, कल्चर क्लब में गए, तो तुमने अपना पूरा महीना ख़राब कर दिया, उसके अंदर पढ़ाई में इतने कम मार्क्स आए, पीछे रह गए, उसमें फोकस ही नहीं था, ट्यूशन फीस दे दी, ट्यूशन में नहीं गए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा बर्डन आ जाता है, फोर्सफुली बच्चों को बोला जाता है कि कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगे, कोई स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लोगे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो, खेलने के लिए नहीं जाते। ऑलवेज आपने ये डायलॉग सुने होंगे पेरेंट्स के मुँह से कि स्कूल में पढ़ने जाते हो, खेलने नहीं जाते, जो स्पोर्ट्स में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो इसीलिए आपको क्या है, पढ़ाई पे फोकस करनी है, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, नंबर अच्छे लेके आओ, बात ख़त्म करो। तो इसी वजह से जब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो फैमिली की साइड से भी थोड़ा प्रेशर बन जाता है बच्चे के ऊपर कि क्या है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है या बाकी चीज़ों में। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्लब्स में बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिनाइल द प्योरिटीज़, मतलब कई बार ऐसे होता है कि बच्चों की साइड से प्योरिटीज़ हटने लगती हैं। अब पेरेंट्स की साइड से फर्स्ट प्योरिटी क्या होती है, कि अगर पेरेंट्स इतनी मेहनत करके पैसा कमा के बच्चे की फ़ीस पे कर रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, बाकी सारी फैसिलिटीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं, तो उनका एक ही मोटिव रहता है कि बच्चा अपने नंबर अच्छे लेकर आए, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो उसका, ये नहीं कि स्पोर्ट्स में खेल के मेडल ले आया, लेकिन उनको 100 में से 99% तो ज़रूर चाहिए, वो ऐसी अचीवमेंट्स रखते हैं बच्चे से। ठीक है, इस तरह की वो रखते हैं उम्मीद। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्योरिटीज़ अलग अलग रास्ते पे जब भागने लगती है, कि पेरेंट्स की अलग है, बच्चा सोचता है कि नहीं यार मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना है, मैं तो आफ्टर 12th भी क्या है सचिन तेंदुलकर बनूंगा, मुझे तो क्रिकेट खेलना है, तो वहाँ पे जब प्योरिटीज़ डिवाइड हो जाती है ना, तो वहाँ पे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ और प्योरिटी है और बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ और प्योरिटी है, तो वो क्या है, डिवाइड होने लगती है, तो बच्चा अपने वे पे है और पेरेंट्स अपने वे पे हैं, तो वो अलग अलग ऐसे डिवीज़न जब होने लगते हैं तो वो क्लब्स के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे को कहीं ना कहीं अकेडमिक रूप में पिछाड़ देता है या फिर एक्टिविटीज़ में पीछे कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक डीमेरिट है क्लब्स का। उसके बाद इंटरेस्ट स्किल कैपेबिलिटी एंड उसके मेंटल लेवल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट लाइक और कैपेबिलिटी, इसमें क्या हो जाता है आपका कि
इंटरेस्ट की कमी हो जाती है, जो क्लब्स वगैरह रखे जाते हैं, ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता क्लब्स में इन्वॉल्व होने के लिए, कुछ बच्चों को पसंद नहीं है एक्टिविटीज़, कुछ बच्चों को इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती. तो लैक ऑफ कैपेबिलिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ लाइकनेस डिसलाइकनेस क्या है, हमारे क्लब एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करती है. अगर मुझे मतलब डांस में इंटरेस्ट है तो ही तो मैं डांस करूँगी ना, लेकिन अगर मेरे को मेरी टीचर के थ्रू बोला जाए कि नहीं अच्छा है आप लंबी हो, गेस्चर्स अच्छे आ जाएंगे, डांस करो डांस करो, तो मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं है या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं अच्छा कर ही नहीं पाऊँगी. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको इंटरेस्ट होता है, लाइकनेस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या है, उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है कि वो एक टाइम में स्टडीज़ पर भी फोकस कर सके, एक्टिविटीज़ पर भी फोकस कर सके, फैमिली को भी देख सके, बाकी सारी चीज़ें क्या आस पास में मैनेज कर सके. ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे का इंटरेस्ट, लाइकनेस और कैपेबिलिटी की कमी देखने को मिलती है, इसीलिए क्लब इफेक्ट करती है क्लब की एक्टिविटीज़. उसके बाद आता है इसका फोर्थ पॉइंट आपका लिमिटेशन के अंदर, टू मेनी शेड्यूल्स इन अ शॉर्ट टाइम. तो इसके अंदर क्या आता है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल्स हॉचपॉच हो जाते हैं एक ही टाइम के अंदर, जिसमें बच्चा ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है. जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक ही टाइम पे आपको पढ़ाई भी करनी है, उसी टाइम पे आपको एक्टिविटी भी करनी है, उसी टाइम पे आपको फैमिली को भी देखना है, उसी टाइम पे आपको ट्यूशंस भी जाना है. तो क्या होता है, एक दिन के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ करना, ये एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर वो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक टाइम पे. टू मैनी जो आपके शेड्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से बच्चा घबरा जाता है या उम्मीद छोड़ देता है या सोचता है मुझसे नहीं होगा, एक ही काम करवा लो, या तो पढ़ाई करवा लो या फिर ये एक्टिविटीज़ ही करवा लो, मैं नहीं कर सकता. तो ये सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलती है, जिससे हमारे क्लब्स और उनके एक्टिविटीज़ क्या है, इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है, उसके बाद आता है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इन अ शेड्यूल. एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, मतलब स्कूल एनवायरनमेंट के थ्रू भी जो हमारे क्लब्स एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कराई जाती है कुछ, तो उनकी नंबर और क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा वैसे ही हो जाता है, स्कूल स्ट्रक्चर बनाने में खर्चा हो गया, और लाइब्रेरीज़, कंप्यूटर बनाने में खर्चा हो गया, कंप्यूटर लाने में खर्चा हो गया, किताबों में खर्चा हो गया, इन सारी चीज़ों में खर्चा हो गया. बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में भी खर्चा करें, फिर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने में भी खर्चा करें, बच्चों के लिए मेडल्स भी लेकर आएँ, ये चीज़ सर्टिफिकेट भी लेकर आएँ, तो इसीलिए जब ज़्यादा खर्चे होने लगते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए भी क्या है, ये सारे क्लब्स और एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या है, अवॉइड की जाने लगती है, जिससे कि खर्चा कम हो. ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है टायर्डनेस एंड फ्रस्ट्रेशन. मतलब बेनिफिट और एडवांटेज में मैंने बताया था, टू रिलीव अवर टायर्डनेस और स्ट्रेस से हम रिलीव कर सकते हैं, और सेम पॉइंट आपका डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन में भी है कि टायर्डनेस एंड फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब आपके सर पर इतने सारे काम होते हैं कि पढ़ना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है या इतने ज़्यादा काम आपके सर पे लाद दिए जाते हैं, इतनी टायर्डनेस या थकान आपको हो जाती है. एक दिन तो मान लो आपने इंटरेस्ट में कोई काम कर भी लिया कि आज फर्स्ट डे है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, चलो करते हैं करते हैं करते हैं, और आपने जाके क्या है कर भी लिया इंटरेस्ट में, मज़े में एक दिन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कल जब नेक्स्ट डे आप शाम को सोओगे, सुबह उठोगे तो इतने थके हुए, मम्मी मैं नहीं जा रहा स्कूल आज, थक गया. तो स्कूल भी गया, एक्स्ट्रा करिकुलम भी गया, आपका ट्यूशन भी गया, तो मतलब एक दिन पे इतना ज़्यादा काम कर लिया, दूसरे दिन पूरे दिन की छुट्टी. तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सभी चीज़ें सफ़र करेंगी, एक्स्ट्रा करिकुलम भी, स्टडीज़ भी, ट्यूशंस भी, पढ़ाई वगैरह सब. ठीक है, और आपकी फिज़िकल बॉडी सफ़र कर रही है वो वैसे ही. तो इसीलिए ये लिमिटेशन में आता है कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, बच्चा थक जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तो इस वजह से भी बच्चे क्लब्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और ये भी एक इसकी लिमिटेशन देखने को मिलती है. ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, अब हमने यहाँ पर बात कर ली है आपकी क्लब्स के ऊपर कि क्लब्स की क्या क्या बेनिफिट्स थे, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, और क्या क्या चीज़ आपकी क्लब्स के अंदर रखी जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं आपके म्यूज़ियम की. देखिए, अब हमने क्लब्स पढ़ लिया, देन आपकी बारी आती है म्यूज़ियम की, कि म्यूज़ियम क्या होते हैं. ये भी थोड़े सिमिलर होते हैं, नॉट कि आपने म्यूज़ियम देखे होंगे,
हमारे इंडिया में यहाँ पे भी दिल्ली में या ऑल ओवर भारत में इंडिया में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जो हमारे हिस्टोरिकल भी हैं, साइंटिफिक भी हैं, और कुछ रेल म्यूज़ियम हैं, डॉल म्यूज़ियम हैं, ऐसे हैं। तो उनके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें रखी जाती हैं, जब जिस नाम से सुनाई दे रहा है, अगर मैं बोलूँ डॉल है, डॉल म्यूज़ियम है, तो डॉल म्यूज़ियम में आप देखेंगे सारी डॉल 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 होंगी, सब डॉल्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉल्स होंगी। और जो रेल म्यूज़ियम है वहाँ पे रेल्स के नमूने रखे गए होंगे, साइंस म्यूज़ियम है वहाँ पे साइंस की चीज़ें रखी गई होंगी सारी, हिस्टोरिकल है हिस्टोरिकल में क्या होगा, सारी की सारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, ये आपके म्यूज़ियम्स होते हैं जहाँ पे किसी चीज़ का संग्रह किया जाता है, जहाँ पे किसी पुरानी चीज़ों को या महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल के रखा जाता है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि उनको ज्ञान दिया जा सके, उसके बारे में बताया जा सके। ठीक है, एक छोटी सी मतलब डेफिनेशन और लाइन है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। म्यूजियम आर बिल्ड्स इन विच वी सी मैनी थिंग्स ऑफ आर्टिस्ट कल्चर हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। ठीक है, म्यूजियम एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे हम ये सारी वस्तुओं का संग्रह करके रखते हैं जो हमारी आर्टिस्ट कल्चर हिस्टोरिकल और क्या है आपकी ट्रेडिशनल और साइंटिफिक साइंस के जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का एक बड़ा सागर है, ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि आप अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं, और कहीं एक ही समय पे आपको डिफरेंट मतलब अगर मान लीजिए आप औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग बुक उठा के देखेंगे, अलग अलग जगहों पे भागेंगे उसको प्रैक्टिकली देखने। लेकिन अगर आप म्यूज़ियम में जाके देखेंगे तो आपको एक ही जगह पर क्या है उससे रिलेटेड जो है सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी, और एक ही समय पर आप बड़े अच्छे से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है आपका ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इट्स नॉट ओनली गिव्स अस नॉलेज बट आल्सो मेक अस फेमिलियर विद अवर सोसाइटी कल्चर सिविलाइजेशन रिलीजन आर्ट एग्रीकल्चर विद अवर कंट्री। ठीक है, मतलब केवल हमें ज्ञान प्राप्त कराने का म्यूज़ियम एक साधन नहीं है, उसके अलावा हमें अपनी सोशल लाइफ से जोड़ने का भी एक साधन है, जिसके अंदर हम अपनी हिस्ट्री को जानते हैं, हम अपने कल्चर को जानते हैं, हम अपनी सिविलाइजेशन को जानते हैं, अपने रीजन्स को, आर्ट्स को, और एग्रीकल्चर को, बाकी मतलब मैनी थिंग्स जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हैं उन सभी को क्या है आप म्यूज़ियम के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, इन अ म्यूजियम देयर आर मैनी थिंग्स विच आर कीप्ड फॉर द पब्लिक। एक म्यूजियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें संग्रह करके रखी जाती हैं जो पब्लिक के लिए रखी जाती हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। अब जैसे हमारे स्कूल्स है, उसके अंदर आप अब जा सकते हो पढ़ने के लिए, स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, पहली क्लास में चौथी क्लास में नहीं ले सकते ना, वो एक एज होती है उसी टाइम पे आप पढ़ोगे। लेकिन म्यूज़ियम के अंदर कोई एज लिमिट है क्या जाने के लिए? वहाँ पे तो कोई एज लिमिट नहीं है, वहाँ पे कोई सीखने का कोई एज लिमिट नहीं है, आपको सीखना है जानना है तो आप बूढ़े भी हो गए, जाइए देखिए कि आपकी साइंस से रिलेटेड कौन सी चीज़ है, आपकी कल्चर आपको क्या सिखाता है, इतिहास आपको क्या बताता है। ठीक है, तो इसीलिए म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि वहाँ पे कोई एज लिमिट या कुछ दायरा नहीं है सीखने का। अगर आपको कुछ नई चीज़ जाननी है, उनको प्रैक्टिकली देखना है जिन्होंने नहीं देखा, तो वो जाइए अपनी फैमिली के साथ, मॉम्स डैड के साथ और बड़े बुज़ुर्गों के साथ देखिए सीखिए। और बच्चे भी क्या करते हैं, जो हमारा स्कूल एनवायरनमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो टाइम टाइम पे ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू ये ऑर्गेनाइज़ करता रहता है कि आपको आज म्यूज़ियम में ले जाया जाएगा या हिस्टोरिकल प्लेस पे विज़िट कराया जाएगा, दिल्ली भ्रमण करवाया जाएगा, इंडिया भ्रमण करवाया जाएगा, ताकि बच्चे उससे प्रैक्टिकली होके अपने एनवायरनमेंट से जुड़ के क्या है ये सारी चीज़ें सीखे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूज़ियम।
अब इसके अंदर थोड़े प्रकार आते हैं कि टाइप ऑफ म्यूजियम क्या होते हैं आपका। टाइप ऑफ म्यूजियम के अंदर पहला आता है आपका फाइन आर्ट, ठीक है। टाइप ऑफ म्यूजियम के अंदर पहला आता है आपका फाइन आर्ट। दे कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्केल्पचर और एल्सेट्रा। जो आपके फाइन आर्ट से रिलेटेड जो म्यूजियम्स होते हैं वो आपके पेंटिंग्स को रखती है, जैसे कि पिकासो की पेंटिंग हो गई, जो आपके बहुत ज़्यादा जो अच्छे पेंटर्स हैं, सुप्रसिद्ध पेंटर्स हैं, उनकी पेंटिंग्स हो गई, या पुराने ज़माने में कुछ ऐसी कलाकृतियाँ की गई होंगी, कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हों जो हमारे इतिहास को दर्शाती हैं या कुछ अलग से, तो उस टाइप की कुछ पेंटिंग्स, ड्राइंग्स क्या है फाइन आर्ट म्यूजियम के अंदर रखी जाती हैं। फर्स्ट टाइप तो होता है आपका फाइन आर्ट। सेकेंड टाइप है आपका हिस्टोरिकल म्यूजियम। सेकेंड टाइप है आपका हिस्टोरिकल म्यूजियम। दीज म्यूजियम इलिटरेट हिस्टोरिकल इवेंट्स और पीरियड्स, पर्सनालिटीज एक्सेट्रा, दे हैव वेपन्स, स्टैचूज, आर्टिफैक्ट्स मेड्स ऑफ स्टोन्स और अदर मटेरियल, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस के अंदर क्या होता है कि आपको ऐसे इस म्यूजियम्स के अंदर ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो आपकी हिस्ट्री से संबंधित होती हैं, जो आपको हिस्ट्री का ज्ञान प्रदान कराती है, आपका पुराना इतिहास क्या क्या आपको बताता है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, वो चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे इवेंट ऑफ पीरियड्स, जैसे वहाँ पर तथ्य होते हैं, तख्ते होते हैं कि उन पर लिखा होता है इस सन में ये चीज़ें हुई, ये औजार यूज़ किए गए, इस सन में मुग़ल आए, इस सन में अंग्रेज आए, उन्होंने ऐसे किया, ये सारी चीज़ें। स्टैचूज होते हैं, वेपन्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल्स एक सॉरी स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है आपको पूरी हिस्ट्री शो करने के लिए, जो स्टोन से बना होता है, अदर मटेरियल से बना होता है, ब्रोचेस से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लाल किला गए होंगे, ठीक है। लाल किला में भी आपने क्या देखा है कि लाल किले के अंदर जितना बैक साइड में गांधी म्यूजियम है, तो वहाँ पे क्या है कि गांधी के समय में जितनी सारी चीज़ें थी कि गांधी जी के समय में जो वो आंदोलन किए गए थे, तोपे यूज़ की गई थी, चोरा चोरी कांड हुआ था, ये सब, तो सब चीज़ है कब क्या हुआ, कौन सी तोप यूज़ करी गई, कौन सी वहाँ की कंडीशन कैसी थी, क्या वस्त्र पहने जाते थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ऐसे ही अभी खादी म्यूजियम भी बन रहा है कि उसके अंदर सारी खादी की चीज़ें रखी जाएंगी, खादी वस्त्र रखे जाएंगे, और लाल किले में और भी ज़्यादा जो हमारा साम्राज्य रहा था उसके बारे में, सारे युद्ध वगैरह के बारे में, सारे औजार और बाकी सारी तथ्य डेट्स वगैरह आपको मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड म्यूजियम आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत फेमस है। बेसिकली आपका म्यूजियम का अगर नाम सुनाई देता है आपको कहीं पे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में साइंस के ही बारे में आता है। थर्ड टाइप है आपका साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ रखी जाती है, इट कंटेन्स ऑल दी थिंग्स विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी सच एज अ फॉसिल्स ऑफ डायनासोर। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वो सभी चीज़ें रखी जाती हैं जो आपकी विज्ञान से संबंधित हैं, जो आपकी साइंस से संबंधित हैं, क्या है वो जीव जंतु हो, जानवर हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो, केमिस्ट्री में कुछ केमिकल्स हो, या कोई भी नई इवेंट्स किए गए हो, कुछ डिस्कवर किया गया हो, जो भी आपके पुराने साइंस से रिलेटेड जो हिस्ट्री है कि कल्पना चावला ने कब गई थी, जो हमारी पहली थी अंतरिक्ष पे जाने वाली यात्री, और किसने चांद पे पहले कदम रखा उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं डायनासोर्स के बारे में जो अब लुप्त हो चुके हैं, कब उनकी उनका जन्म हुआ, कैसे विनाश हुआ, क्या क्या क्रियाएं उस टाइम पे चलती थी, कैसे उनके अंडे होते थे, ये सारी चीज़ें की जानकारी आप कहाँ से मिलेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम से, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूजियम हाउस, आपका फोर्थ टाइप है म्यूजियम हाउस। आपके म्यूजियम हाउस के अंदर क्या चीज़ें रखी जाती हैं, इट इज़ लोकेटेड इन बर्थ प्लेस ऑफ फेमस पर्सन सच एज सुब्रमण्य आश्रम,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होम और टीपू सुल्तान प्लेसेस एक्सेट्रा। टीपू सुल्तान प्लेसेस अगर किसी को पता हो तो कर्नाटका में है, बहुत ज़्यादा फेमस वहाँ का म्यूज़ियम है। तो जो आपके म्यूज़ियम हाउसेस होते हैं, जो म्यूज़ियम हाउस होते हैं आपका फोर्ट टाइप जो है, वो ऐसी चीज़ है कि जो फेमस बर्थ प्लेस वाले लोग हैं, मतलब जिनका वहाँ पे जन्म हुआ है, बर्थ प्लेस ऑफ फेमस पर्सन्स हैं, या सुब्रमती आश्रम हो गया, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म का जहाँ हुआ है वहाँ पे उनका आश्रम बना दिया गया, उनसे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम हुए, जो जो चीज़ें उन्होंने की, या वो सारी संविधान लिखा, ये सारी चीज़ें वहाँ रखी गई होंगी, उनके बारे में सारी चीज़ें होंगी, किताबें होंगी उनके बारे में पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या किसके अंदर आती हैं? म्यूज़ियम हाउस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्नोलॉजी म्यूज़ियम, फिफ्थ है आपका। इस म्यूज़ियम के अंदर क्या रखा जाता है आपके फिफ्थ पॉइंट के अंदर? इट कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री। इसके अंदर क्या है, जो भी आपके इतिहास से जुड़े हुए तथ्य हैं, जो भी आपके इतिहास में बातें हैं, जो भी हैं, वो सारे तथ्य क्या हैं, आपके इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड इसके अंदर रखे जाते हैं। इसके बाद आपका सिक्स और लास्ट पॉइंट आता है जर्नल म्यूज़ियम। सिक्स पॉइंट है आपका जर्नल म्यूजियम। इसके अंदर क्या आता है, दे कंटेन्स मोर देन वन सब्जेक्ट एंड देयर फोर दीज म्यूजियम्स आर कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूजियम्स। मतलब इसके अंदर जो आपके जर्नल म्यूजियम्स होते हैं, हम उसमें एक या एक से ज़्यादा तथ्यों से रिलेटेड क्या है, चीज़ें रख सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम इतिहास की चीज़ें भी रख सकते हैं, साइंस की चीज़ें भी रख सकते हैं, फाइन आर्ट्स से चीज़ें भी रख सकते हैं, इन ऑल ओवर को मिक्स करके हम इसके अंदर रख सकते हैं, जिसको हम सेकेंड नाम मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूज़ियम भी कहते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूज़ियम किसको कहते हैं? जर्नल म्यूज़ियम को, ठीक है। ये सारे म्यूज़ियम समझ आ गए। सिक्स टाइप ऑफ म्यूज़ियम्स हैं ये आपके। पहला है फाइन आर्ट, जिसमें आपकी पेंटिंग्स, फेमस लोगों की पेंटिंग्स, पिक्चर्स और ड्राइंग्स रखी जाती हैं। हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स में आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड डेट, तथ्य, स्टैचूज और ये वेपन्स रखे जाते हैं। उसके बाद थर्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस यानी कि विज्ञान से जितने भी जुड़े हुए हिस्ट्री, इतिहास और प्रेजेंट की चीज़ें हैं या तथ्य हैं, उनको रखा जाता है। म्यूज़ियम हाउस के अंदर क्या रखा जाता है, जो भी आपके फेमस लोग हैं उनका बर्थ प्लेस है वहाँ पे म्यूज़ियम बनाया जाता है, जो उनसे रिलेटेड तथ्य होते हैं वो रखे जाते हैं। और एक्रोनोलॉजिकल म्यूज़ियम के अंदर क्या चीज़ें रखी जाती हैं, ऑल क्या ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो आपके हिस्ट्री रिलेटेड होते हैं सारे। और जर्नल म्यूज़ियम के अंदर इन सभी को इन्वॉल्व करके आप एक जर्नल म्यूज़ियम खोल सकते हैं, जिसके अंदर आप इतिहास भी रख सकते हैं, साइंस भी रख सकते हैं, और जो भी आपके फाइन आर्ट से रिलेटेड है या कुछ भी, उनको सभी को क्या है, आप उसको ऐड करके एक जर्नल म्यूज़ियम खोल सकते हैं, और इसको मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूज़ियम भी कहते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से म्यूज़ियम है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। नेशनल म्यूज़ियम है आपका इंडिया के अंदर, डॉल म्यूज़ियम है आपका, द नेशनल ऑफ रेल म्यूज़ियम है आपका, टीपू सुल्तान प्लेस म्यूज़ियम है जो आपका मैसूर में है, मैसूर में है ये आपका, मैसूर इन हिज ट्रूप ऑफ लोकेटेड इन दारी दौलत कर्नाटका, ठीक है, दारी दौलत कर्नाटका में ही है, ठीक है, सही था मेरा। उसके बाद फिफ्थ इंडियन म्यूजियम है आपका। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम। हमने जैसे क्लब्स पढ़े थे उसके इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन पे बात करी थी, देन हम म्यूजियम पढ़ रहे हैं तो म्यूजियम के टाइप पढ़ लिए, देन अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है म्यूजियम की। फर्स्ट आता है इसके अंदर, म्यूजियम कलेक्ट एंड प्रिजर्व अवर ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल ऑफ रिलीजन्स कल्चर एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज। मतलब फर्स्ट में जो हमारे म्यूजियम्स होते हैं वो हमारे इतिहास के संग्रह करने में, हमारे रिलीजन से रिलेटेड संग्रह करने में, हमारे कल्चर से रिलेटेड संग्रह करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई किताब है,
आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी फेवरेट है या कोई भी ड्रेस है, एक कब तक आप उसको संभाल के रखोगे? ज़्यादा टाइम तक नहीं ना, 1 साल 2 साल, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी, उस पर कुछ ना कुछ कलर गिर जाएगा, फट जाएगी, गल जाएगी, लेकिन आप उसको क्या है ज़्यादा टाइम संभाल के नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो पुराने तथ्यों और किसी ऐसी चीज़ को संभाल के रखा जाता है तो उनको हम म्यूज़ियम में रख देते हैं, वहाँ पर क्या है उसको उसी तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है, उस पर थोड़ा सा और काम करवा दिया जाता है कि उसको ढंग से रखा जा सके, अच्छे से बना के लेमिनेशन करवा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ों को क्या है संभाल के रखा जाता है। अब आप सोचिए कि जो ये अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ, मुगल शासन था, वो सारे औजार और ये सारी चीज़ें अभी तक रखी हुई है, क्यों? लोहे में भी तो जंग लग जाता है, फिर क्या उनमें जंग नहीं लगा, वो चीज़ें ख़राब नहीं हुई? लेकिन उनको म्यूज़ियम के अंदर ऐसे संभाल के रखा गया है कि जब वो सारी चीज़ें खुदाई में मिली थी, उनको दोबारा से अच्छे से पॉलिश करके या ऐसे मेंटेन करके, उनको जितना प्रॉपर वे एनवायरनमेंट चाहिए वैसी क्रिएट रख के, तो उस वे में अगर आप रखोगे तो वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि उनमें मेंटेनेंस नहीं होती, कि वो गल जानी चाहिए, उन पर बेटा डेली डेली मेंटेनेंस भी होती है, टाइम पर मेंटेनेंस भी होती है। अब जो इमारतें हैं, किले हैं हमारे, ये वो, उनको क्या किया जाता है, ताजमहल है, ताजमहल को भी आपको पता है ना कि पीला पड़ने लग गया था धीरे धीरे, तो उसको भी क्या थी, उसको भी उसकी मेंटेनेंस कराई गई थी, उस पर भी वाइट वॉश कराया गया होगा या कुछ ना कुछ उस पर मेहनत करी गई होगी जिससे वो आज भी वाइट है, पीला क्यों नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि मेंटेनेंस होती है, अगर आप रख रखाव करोगे किसी चीज़ का अच्छे से, तो वो चीज़ आप लाइफ टाइम के लिए संग्रह करके, प्रिजर्व करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है? तो उस काम में हमारा म्यूजियम बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है? सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पॉइंट, दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इसके साथ साथ क्या है, ये एक अच्छा सोत्र है एंटरटेनमेंट का। जो चीज़ें आप किताबों में पढ़ोगे लेकिन आप घूमने के माध्यम से अगर म्यूजियम्स में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप खेल खेल में, इंजॉयमेंट में, कि पिक्चर्स क्लिक करनी है, पिक क्लिक करिए, आपके बैक साइड पे कोई स्ट्रक्चर है वो आ गया तो आप उसको जूम करके देखोगे ये क्या है, बाद में कभी आपको याद आएगा, रिकॉल करोगे तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें क्या हैं जो आपके एंटरटेनमेंट के माध्यम से होती हैं और आप सीख खेलते खेलते सीख जाते हो, उसमें एक बड़ा सहायक है आपका म्यूजियम, ठीक है? उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है, दिस म्यूजियम हेल्प टू प्रिजर्व एंड प्रमोट अवर कल्चर हेरिटेज। जो आपका कल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने के लिए आपका म्यूजियम हेल्पफुल है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, मान लीजिए आप हो, आपकी न्यू जनरेशन जो आएगी तो उसको तो पता नहीं है ना कि आपकी हिस्ट्री क्या थी, इतिहास क्या था, महाभारत, रामायण, औरंगजेब, अंग्रेज कौन थे, क्या थे, जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे। और आप उन्हें बताओगे तो मतलब क्या है, आप अपनी हिस्ट्री को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, आप उनको वो सारी चीज़ें दिखा के ला रहे हो, म्यूज़ियम दिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आप अपने कल्चर हेरिटेज को क्या है आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो पीढ़ी दर पीढ़ी, ताकि वो सबकी नॉलेज में रहे, ठीक है? उसके बाद आता है, म्यूज़ियम आर दी स्टोर हाउस ऑफ ओल्ड आर्ट फैक्ट्स, स्कल्पचर्स और ऑब्जेक्ट्स एंड हिस्ट्रिकल एट्सेट्रा। जो हमारे म्यूजियम्स हैं वो एक स्टोर हाउस के रूप में काम करता है, जिसके अंदर हमारे वो सभी चीज़ें रखी जाती हैं जिसके लिए एक टाइम पे उसको खोने का, उसको मिस करने का या फिर किसी चीज़ का ऐसा डर रहता है कि वो नष्ट ना हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारा म्यूज़ियम होता है, कि आप वहाँ पे एक टाइम के लिए या काफ़ी टाइम के लिए कोई चीज़ को क्या है संग्रह करके रख सकते हो। म्यूज़ियम हेल्प्स इन रिसर्च एंड स्टडी। म्यूज़ियम्स जो हैं हमारे वो रिसर्च करने में और स्टडीज़ में भी हेल्प करते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया अंग्रेज़ों की लड़ाई, मुग़ल साम्राज्य, ये वो, आप किताबों में तो उसको पढ़ते ही हो, बच्चों को पढ़ाते ही हो, लेकिन जब आप बच्चे को म्यूज़ियम के अंदर लेकर जाओगे, वहाँ पे औजार दिखाओगे, उनकी शार्पनेस दिखाओगे, नोकीलापन दिखाओगे, किताबों के अंदर आप ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हो कि हड़प्पा संस्कृति, वहाँ पे बर्तन कैसे पाए जाते थे, किस शेप के होते थे, किस कलर के होते थे, कैसे यूज़ किए जाते थे, औजार लकड़ी के होते थे, लोहे के कब आए, नोकीली धारें होती थी, तो ये सारी चीज़ें जब आप म्यूज़ियम के अंदर बच्चे को दिखाओगे तो उसको एक्चुअलिटी में पता चलेगी ये सारी चीज़ें, कि यस यही चीज़ें हमने किताब में पढ़ी और ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं, तो उनके माइंड में क्या है वो परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है?
उसके बाद है आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट, दे आर दी मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. जो आपका म्यूज़ियम है वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं. अभी इससे पहले वाले पॉइंट में स्टडी और रिसर्च के लिए था, अब है टूरिस्ट पर्पस के लिए भी बनाए जाते हैं. ताकि अगर आपको, अब आप सोचेंगे टूरिस्ट पर्पस से क्या फ़ायदा क्या है हमें, क्यों हम टूरिस्ट को बुलाते हैं, क्यों. देखिए, अगर आपने ये पेन ख़रीदा है या मान लीजिए आपने अपनी कोई ड्रेस ली है, ठीक है, तो आप उस ड्रेस को मेंटेन करने में कितना खर्चा करते हो. आप उस पर सफाई उसकी ड्राई क्लीन पे देते हो तो उसमें भी खर्चा होता है, या वो कभी कुछ कहीं से कट फट जाती है तो रफू कराने में खर्चा होता है, या उसको जितनी बार अच्छे से मेंटेन करना है उसमें मेंटेनेंस में खर्चा होता है. तो इसीलिए जो पूरा स्थल तत्व हैं या पुरानी चीज़ें हैं, हिस्ट्री रिलेटेड है या नई चीज़ आपको बनाई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो टूरिस्ट का क्या बेसिकली ये होता है, इसीलिए टूरिस्ट को बुलाया जाता है. जो हमारी हिस्टोरिकल रिलेटेड जो भी म्यूजियम्स हैं, आप उनको मेंटेन करने में भी तो खर्चा करोगे ना. अब सरकार ने क्या है, जो पुरानी चीज़ें हैं अब उस पर आप अपना दायित्व तो नहीं जमा सकते. छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स की कोई ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अभी आप उस पर रह रहे हो या अपने घर पर रह रहे हो, कल को वो प्रॉपर्टी क्या आपके नाम हो जाएगी, फिर आपके बच्चों के नाम हो जाएगी, ऐसे ट्रांसफ़र होती रहेगी, तो उसके तो आपको हकदार मिल गया. लेकिन जो पहली पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें हमारे पास छूट गई हैं इतिहास में, कि अंग्रेज़ों ने जब शासन किया, मुगल साम्राज्य जब आया, ये किले बनवाए, ये सारी चीज़ें, उनका तो कोई उत्तरदायित्व नहीं है ना, उनके तो कोई रख रखाव वाला नहीं है. तो उसको क्या किया, गवर्नमेंट ने, सरकार जब बनी, लोकतंत्र बना, तो उसको अपने अंडर कर लिया. लेकिन अब सरकार थोड़ी ना अपनी जेब से पैसा लगाएगी उस पर, उसको मेंटेन करने के लिए. तो इसीलिए टूरिस्ट पर्पस रखा गया था कि उससे जो कमाई होगी उसी की मेंटेनेंस पे या उसी के रख रखाव में खर्च किया जाएगा, ठीक है. तो टूरिस्ट पर्पस भी हमारा म्यूज़ियम के अंदर मेन होता है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए टिकट का सामान होता है, मतलब टिकट होते हैं, उनको टिकट्स लेनी पड़ती है, तो उससे जो अर्निंग होती है तो उसको क्या है, मेंटेनेंस पे लगाया जाता है, ठीक है. उसके बाद इसके अंदर लास्ट पॉइंट आता है, दे आर गुड सोर्स ऑफ नॉलेज. मतलब हमारा जो ये आपके म्यूज़ियम्स होते हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका नॉलेज का, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बच्चे को या एक टीचर को किसी भी प्रकार से अगर आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक ही टाइम पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी. तो वहाँ पे बच्चों के लिए एक अच्छा नॉलेज का दायरा है, सिस्टम है म्यूज़ियम्स आपके, ठीक है. तो म्यूज़ियम्स की इम्पोर्टेंस समझ आ गई. अब बात करते हैं लिमिटेशंस, ठीक है. तो लिमिटेशंस वैसे ज़्यादा नहीं है इसकी, थोड़ी बहुत है, उनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, म्यूज़ियम को यूज़ करने का जो लिमिटेशंस हैं वो थोड़ा ये है, पहला कि कुशल अध्यापकों की कमी, थोड़े ट्रेन टीचर्स की कमी रह जाती है, जो स्टडीज़ के साथ साथ उनकी प्रैक्टिकली मतलब करवा रही है, तो उसके साथ साथ उनके फिज़िकली उस पर भी ध्यान रखे. जो चीज़ पढ़ाई गई है उसी को प्रैक्टिकल अगर एनवायरनमेंट में ले जाके या म्यूज़ियम में ले जाके सिखाई जानी है, तो कई बार क्या होता है, वहाँ पे फोकस नहीं रहता है, बच्चे खेल खिलाफ में ही लगे रहते हैं, टीचर भी अपने गॉसिप्स में लग जाती हैं, घूमने लग जाती हैं, पिक्चर्स क्लिक करने लग जाती हैं, सेल्फीज़ वगैरह. तो वहाँ पे क्या है, जिस पर्पज़ के लिए आप बच्चों को लेकर गए हो वो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, कुछ पता ही नहीं रहता कि आप उनको बेसिकली म्यूज़ियम के अंदर क्या चीज़ सिखाने लेकर गए हो, अपने कंटेंट से रिलेटेड उनको क्या नॉलेज दिलवाने के लिए लेकर गए हो. तो एक कुशल अध्यापक की कमी होती है. सेकंड इसके अंदर पॉइंट आता है लिमिटेशन के अंदर, कि बच्चों में एक खेल की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी विषय वस्तु क्या है, पीछे छूट जाती है, मतलब विषय वस्तु का ज्ञान का अभाव,
यह इसका सेकंड पॉइंट है कि कंटेंट की क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है. क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखते. ऐसा होता है कि बच्चों को चलो एक लाइन में डिसिप्लिन तरीके से आप लेके जा रहे हो, ठीक है, और एक टाइम पे लेके जा रहे हो, भीड़ ना लगे क्योंकि आपने टिकट्स बुक किए हैं, आप पूरी क्लासरूम को लेके गए हो 50 बच्चों को. तो ये तो नहीं ना कि उस म्यूज़ियम में वो 50 बच्चे ही होंगे, उनसे अलग भी कुछ लोग टूरिस्ट आए होंगे घूमने वाले. तो अगर इतनी भीड़ को लेके जाओगे तो वहाँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना सब कुछ. तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बच्चे उस टाइम पे उतनी प्रॉपर नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं जितना उनको समझना होता है, जितना उनको ऑब्जर्व करना होता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी तो ये चीज़ वही है. वो क्या एक लाइन में बस कलर्स देखे, शेप देखी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आगे निकल गए. फिर दूसरे पोर्शन पे गए, वाओ ये ऐसा है वैसा है, गॉसिप्स करी, आगे निकल गए. तो वहाँ पे क्या है, कंटेंट जिस पर्पज़ के लिए हम उसको लेके जाते हैं वहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है इस चीज़ की, कंटेंट विषय वस्तु जो है वो पीछे छूट जाती है और ये सारी चीज़ें साइड में उसके एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बच्चे वहाँ पे मौज मस्ती में ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है. थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि टीचर्स को वो सारे पहले से ही अगर विजिट प्लान कर रही है या म्यूज़ियम ले जाने के लिए प्लान कर रही है तो पहले से ही बच्चों को उसके लिए प्री प्लान करना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए अगर बच्चे की क्लास मतलब टीचिंग करवानी है बाहर म्यूज़ियम में ले जाकर घुमाने, तो बच्चे को पहले से नॉलेज दे देनी चाहिए कि देखिए बच्चे हमने पाठ पढ़ा तो ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो आज चलिए उनको प्रैक्टिकली हम देखेंगे. तो वहाँ पे आप एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये चीज़ को पूछिएगा, ये चीज़ को देखिएगा, देन मैं आपसे पूछूंगी, देन मैं आपसे समझूंगी, ठीक है. तो वहाँ पे क्या है, बच्चों को अगर आप ये चीज़ पहले बता दोगे तो बच्चे भी थोड़ा वहाँ पे फोकस रहेंगे, लेकिन अगर आप बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं बताओगे तो बच्चे जाएंगे, खेलेंगे, खाएंगे और घर आ जाएंगे, ठीक है. और लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि इवैल्यूएशन में अप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, उस टाइम पे भी आपको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या समझ आया, उसके बारे में पूछना चाहिए. कि मान लीजिए आप एक लैब के अंदर लेके गए, आपने विजिट किया, आप ग्राउंड में ले आए, आप उसी टाइम पे उनका इवैल्यूएशन कर लीजिए कि आपने क्या चीज़ सीखा, मैंने वो चीज़ पढ़ाई थी, आपने वहाँ पे देखी, ऑब्जर्व करी. तो अगर बच्चों से प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर मिल रहे हैं तो इट मीन्स उन्होंने देखा और ऑब्जर्व किया, लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप उसी टाइम पे उनका सेकंड विजिट करवा दीजिए, ठीक है. लेकिन कंडीशन इज़ दैट कि आप उस एरिया के अंदर ही रहेंगे, नहीं तो अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको प्री प्लान करने में, दोबारा टिकट्स लेने में, वो सब चीज़ों में दोबारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है. तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं. आपको अब क्लब्स और म्यूज़ियम अच्छे से समझ आ गए कि क्या है. आई थिंक अब आपका इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर ज़्यादा सब पॉइंट नहीं रह रहे होंगे, हार्डली 2 या 3 हैं. तो वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करने के लिए ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी. और आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है. पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियोज़ पसंद की जा रही है और मैं भी और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, नया कंटेंट लेके आऊँ, कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर डालूँ. तो प्लीज़ मुझे मोटिवेटेड करने के लिए भी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. KVS PGT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आपको टेक्निकली स्टडी मटेरियल चाहिए अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.